न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हुए पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 1000 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 8। देखिए अगर हम सम की बात करते हैं तो 4 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। 5 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें भी 8 तो आएगा ही आएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल के आगे 1000 फैक्टोरियल तक हर एक टर्म में 8 तो आना ही आना है। और अगर 8 आएगा तो हर एक नंबर क्या होगा, 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 2 इज 8, फिर से 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 फैक्टोरियल और उसके आगे के कितने भी टर्म्स हम लें हर एक में क्या आएगा, 8 तो आएगा ही आएगा। जब इसके आगे के हर एक टर्म में 8 आ रहा है तो 8 कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आएगा तो 8 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें चेक सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स को करना है। 8 की जगह कुछ और भी अगर कोई नंबर आपको इसी न्यूमेरिकल में दे दिया जाए तो आपको ऐसे ही चेक करना होता है कि किस फैक्टोरियल से वो नंबर आना स्टार्ट हो जा रहा है, उसके आगे हर एक में आएगा वो, ठीक है। तो सिंस के फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 4, के की वैल्यू 4 हो गई, 4 फैक्टोरियल में भी 8 आ रहा है, उससे आगे हर एक नंबर में 8 आएगा। तो हमें सिर्फ देखना है यहां तक के नंबर को, क्योंकि इससे आगे का नंबर जो भी आएगा वो 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर? तो एस इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो जो रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ इन 3 नंबर्स पे ही बेस्ड होगा, क्योंकि आगे के जितने नंबर्स हैं वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, आगे के जितने नंबर्स का सम आएगा वो 8 से डिवाइड पूरा पूरा होगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर हमको यहीं से मिलेगा। तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6 mod 8, तो ये 9 हो गया, 9 mod 8 मतलब 9 को हमको 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 mod 8, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है। तो ऐसे करके हम फैक्टोरियल वाले न्यूमेरिकल्स का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी रिमाइंडर वाला ही न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा पहले वाले न्यूमेरिकल से थोड़ा सा हटके है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 एंड सो ऑन अप टू 100 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 4। 1 की पावर 5 अगर मैं निकालूं तो 1 आएगा, 1 mod 4 लिख सकते हैं इसको हम। 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 0 mod 4। 3 की पावर 5 243, इसको डिवाइड करेंगे तो 240 तक ही डिवाइड होगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 mod 4। ऐसे 4 की पावर 5, ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा क्योंकि 4 की ही पावर है और 4 से ही डिवाइड भी कर रहे हैं। अगला 5 की पावर 5, ये आता है 1 6 1 5 6 2 5, ये भी आपका 24 तक डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 1 mod 4। 6 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। 2 की पावर 5 0 आ रहा था, 3 की पावर 5 3 आ रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 mod 4। 7 की पावर 5 कैन बी रिटन एज 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7, 7 की पावर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मॉड्यूलस में आपको पूरी पूरी पावर निकालनी नहीं होती, छोटी छोटी पावर्स में ब्रेक कर लो और 4 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 3 mod 4, ठीक। 8 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 का क्यूब
लिख सकते हैं, और 2 की पावर 5 की वैल्यू 0 आ रही थी, तो ये भी आ जाएगा 0 mod 4। 9 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 का स्क्वायर, और 3 की पावर 5 आ रहा था 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से कितना आएगा, 1 mod 4। ऐसे 10 की पावर 5 करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 mod 4। अब आप देखेंगे कि 1 से लेकर के 100 की पावर 5 तक है, तो हमने 10 10 के टर्म्स में इनको ब्रेक कर लिया। अब हम देखेंगे, बड़े ध्यान से इसको देखना आप, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 से लेकर के 100 की पावर 5 है, ठीक है। 0, 1 से लेकर 10 तक 0 कितने बार आया, 1 2 3, 3 बार आया। इसके आगे भी जितने बार आएगा हमें अभी कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ता, पहले हम 0 वाले में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 0 को कितने बार भी ऐड करो 0 ही आएगा। और नंबर्स 1 2 3, इसमें थोड़ा सा आपको अपना कैलकुलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को देखें, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, और वो नंबर 1 से लेके 100 तक के बीच का ही कोई नंबर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 4 से डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 1 2 3, यही 4 रिमाइंडर्स आएंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर्स की बात करें। तो 1 रिमाइंडर वाले कितने टोटल नंबर आएंगे, 25 आएंगे, और ऐसे ही 3 रिमाइंडर्स वाले कितने नंबर्स आएंगे, ये भी 25 आएंगे, क्योंकि 25 25 के टर्म्स में वो ब्रेक होगा ना। तो 0 प्लस 1 into 25 यानी कि 25, और 3 रिमाइंडर वाले वो भी 25। आप चाहें तो 1 से लेकर 100 के बीच में आप देखेंगे तो इतने ही रिमाइंडर्स आपको मिलेंगे, mod 4। तो ये 100 mod 4 हो गया, 100 mod 4 का मतलब हो गया 4 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 mod 4। तो यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 0। इसमें आप वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो होती है, डिवीजन एल्गोरिथम वाली जो थ्योरम होती है, उसका डायरेक्टली यूज करके अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है, तो रिमाइंडर आएगा 4m, 4m+1, 4m+2 और 4m+3। इस वाली मेथड से भी कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड समझ में आए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यहाँ पे सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ग्रेंस पे बेस्ड अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल हो गए। तो फिर से वापस लौट के आते हैं थ्योरम्स पे, और नेक्स्ट थ्योरम है कॉन्ग्रेंस पे बेस्ड, और वो है कैंसिलेशन। इसको हम कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। कैंसिलेशन लॉ थ्योरम क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी मॉड एम, वेर एम इज ग्रेटर देन 0, इज अ फिक्स्ड इंटीजर एंड डी इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है ये डी सी और एम का। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का मतलब क्या है, डी सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो सी को और एम दोनों को डिवाइड कर रहा है, इससे बड़ा नंबर कोई भी आपको सी और एम दोनों को डिवाइड करने वाला नहीं मिलेगा। तो आपको प्रूफ करना है कि देन ए इक्वल टू बी मॉड एम अपॉन डी। बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका भी। आपको क्या दिया है, डी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है सी और एम का, तो इसका मतलब देर एग्जिस्ट Q1, Q2 बिलोंग्स टू आई इंटीजर सच दैट सी जो है वो डी का कुछ टाइम्स होगा, ऐसा है ना। तो अगर हम 35 बोलते हैं कि 35 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 5 का कुछ टाइम्स अगर हम करेंगे तभी तो 35 आएगा। तो यहाँ पे डी जो है सी को डिवाइड कर रहा है, तो डी का कुछ टाइम्स करेंगे तो वो सी के बराबर आएगा, तो हमने वो मान लिया Q1। ऐसे ही
एम को भी डिवाइड करा तो एम इक्वल टू क्यू टू डी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे क्यू वन और क्यू टू जो है वो दोनों को प्राइम होंगे, यानी कि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन आएगा। क्यों आएगा ये आप लोग खुद सोचें, क्योंकि डी जो है सी और एम को डिवाइड कर रहा है और कॉमन नंबर है, अगर क्यू वन क्यू टू भी इसको डिवाइड कर जाएंगे तो फिर डी से बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा जो सी और एम को पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब आप देखेंगे ए सी इक्वल टू बी सी मॉड एम दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी मॉड एम हमको दिया हुआ है, तो इसका मतलब एम से अगर हम किसको डिवाइड करें, ए सी माइनस बी सी को, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड अगर हो रहा है तो एम इक्वल टू सी कॉमन आ गया, ए माइनस बी, और सी की वैल्यू क्या है, क्यू वन डी, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, और डी को अपॉन में ले आते हैं, तो एम अपॉन डी किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी इंटू क्यू वन को, ठीक है। और एम अपॉन डी मैं यहाँ से निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा, क्यू टू, तो क्यू टू किसको डिवाइड कर गया, ए माइनस बी क्यू वन, क्योंकि क्यू वन और क्यू टू में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन है, और क्यू टू किसको डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को, क्यू टू क्यू वन को डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि दोनों में कॉमन वन है, तो इसका मतलब क्यू टू किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को, क्यों, क्योंकि क्यू टू क्यू वन को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन है। तो अब यहाँ से इसको हम मॉड्यूलर सिस्टम में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू बी मॉड क्यू टू, और क्यू टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी मॉड क्यू टू की जगह पे क्या लिख देंगे हम यहाँ से, एम अपॉन डी। तो ये कैंसिलेशन लॉ है जिसका स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि तो वहाँ एग्जाम में स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आई होप ये थ्योरम भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है प्रूफ दैट अगर आपको ए इक्वल टू बी मॉड एम ये दिया है, ये तभी पॉसिबल है जब, ये वैसे हम इसको कर भी चुके हैं, ए एंड बी हैव द सेम रिमाइंडर्स विद रिस्पेक्ट टू एम, ए को एम से डिवाइड किया रिमाइंडर बी आया। अब क्योंकि यहाँ पे हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें निगेटिव रिमाइंडर को भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर ए और बी एम से डिवाइड होने के बाद सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो ए इक्वल टू बी मॉड एम हम उसको लिख सकते हैं, और अगर ए इक्वल टू बी मॉड एम दिया है तो हमें प्रूफ करना है कि ए और बी को एम से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा एम आएगा। तो पहला पार्ट बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है हमें। ए इक्वल टू बी मॉड एम हमने मान लिया, और हमने ये मान लिया कि लेट आर वन एंड आर टू आर द रिमाइंडर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू एम, मतलब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आर वन और आर टू जो हैं वो दोनों अलग अलग रिमाइंडर हैं, अगर हम ए को डिवाइड कर रहे हैं एम से तो रिमाइंडर आर वन आ रहा है, और बी को अगर हम एम से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर टू आ रहा है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों रिमाइंडर सेम होंगे, और सेम होने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि आर वन और आर टू इक्वल है। तो अगर हम ए को एम से डिवाइड करेंगे तो कुछ टाइम्स डिवाइड होगा, सपोज क्यू वन टाइम्स वो डिवाइड हो रहा है, प्लस क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में, आर वन माना हुआ है हमने, और डिवीजन एल्गोरिथम में आर वन जो है एम से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही बी कुछ टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आया आर टू, और आर टू शुड बी लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि ये जो आर वन और आर टू रिमाइंडर है दोनों सेम होंगे। अब हमें देखो ए इक्वल टू बी मॉड एम दिया है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहां से उठा के रखते हैं हम इक्वेशन वन से, एम क्यू वन प्लस आर वन इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, एम क्यू टू प्लस आर टू मॉड एम,
मॉड्यूलर सिस्टम की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो एम किसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, एम क्यू वन प्लस आर वन माइनस एम क्यू टू प्लस आर टू। तो यहां से आ जाएगा एम डिवाइड्स एम क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस आर वन माइनस आर टू। ठीक है, अब आप देखेंगे आर वन और आर टू, देखो अगर थ्री जो है 15 प्लस 12 को डिवाइड कब करेगा, जब वो 15 को भी पूरा डिवाइड करना चाहिए 12 को भी करना चाहिए, इसका मतलब एम जो है इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा, क्योंकि इनके सम को डिवाइड कर रहा है। अब आप देखेंगे कि आर वन और आर टू जो है एम से छोटे हैं, छोटे हैं, और अगर हम आर वन माइनस आर टू निकालेंगे तो वो फिर से एम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और एम से छोटा होगा तो क्या एम से डिवाइड हो पाएगा। आप देखिए एम जो है इन दोनों के सम को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, इसको तो करेगा ही क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में एम आ रहा है तो कट जाएगा। इसको डिवाइड अगर कर रहा है, और आर वन और आर टू हमको पता है कि एम से छोटे हैं, तो आर वन माइनस आर टू निकालेंगे वो एम से ऑलरेडी छोटा आएगा, और एम से छोटा नंबर एम से डिवाइड तभी हो सकता है जब ये नंबर पूरा जीरो बन जाए, जब हो ही ना कुछ। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे एम जो है आर वन माइनस आर टू को डिवाइड कर रहा है, और आर वन माइनस आर टू को डिवाइड कर रहा है, और उसके साथ साथ आर वन और आर टू एम से छोटे भी हैं, तो इसका मतलब आर वन माइनस आर टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी डिवाइड करेगा, सिंस आर वन भी एम से छोटा है और आर टू भी एम से छोटा है, और उन दोनों का डिफरेंस एम से डिवाइड तभी होगा जब ये दोनों का डिफरेंस जीरो बन जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वन इक्वल टू आर टू। और यही हमारा पहला जो पार्ट इसका हमने प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि ये जो दोनों हमने अलग अलग रिमाइंडर्स लिए हैं, ये दोनों रिमाइंडर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो मॉड्यूलर सिस्टम में ए इक्वल टू बी मॉड एम है, तो एम जो है दोनों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर देगा। कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्स पार्ट बड़ा इजी है। अब हम मान के चल रहे हैं कि आर वन और आर टू क्या है, इक्वल है, तो इस आर वन इक्वल टू आर टू को अगर हम इक्वेशन वन में रखेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, ए इक्वल टू क्या था, एम क्यू वन प्लस आर वन। आर वन को आर आर वन और आर टू दोनों इक्वल है तो दोनों को आर मान लेते हैं, ठीक। और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम क्यू टू प्लस आर टू था, आर टू आर के इक्वल, दोनों को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम कॉमन क्यू वन माइनस क्यू टू, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एम ए माइनस बी जो है एम का मल्टीपल है, तो इसका मतलब एम जो है किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, बी मॉड एम, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में, अगर रिमाइंडर इक्वल है तो ए इक्वल टू बी मॉड एम होगा, और पहले पार्ट में क्या था कि अगर ए इक्वल टू बी मॉड एम है तो रिमाइंडर जो है दोनों अलग अलग जो रिमाइंडर्स लिए थे वो सेम होंगे। तो आई होप कॉन्ग्रेंस पे बेस्ड जितने भी थ्योरम्स और क्वेश्चंस हमने किए हैं इन दोनों लेक्चर्स में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।